हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बाजार का हाल लेके। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार में क्या हुआ। निफ्टी 561 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ वीक ऑन वीक, जो कि 5.86% बनता है। वही बैंक निफ्टी करीब 1737 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ, जो कि करीब 9% बनता है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सभी सेक्टर्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई। एक बार फिर हमें वही पैटर्न देखने को मिला और जो बीटन डाउन सेक्टर्स थे जैसे बैंक, मीडिया, मेटल्स, रियलिटी, इनमें हमें जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। ऑटो सेक्टर्स ने भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन वही जो अच्छे सेक्टर्स थे जैसे कि फार्मा, FMCG और IT, उनमें हमें कुछ खास बाइंग देखने को नहीं मिली और उनका एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कुछ खास देखने में नहीं आया। तो एक बार फिर हमें सेक्टर्स में वही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि बीटन डाउन सेक्टर्स में जबरदस्त बाइंग हो रही है और जो अच्छे क्वालिटी सेक्टर्स हैं उसमें कुछ खास बाइंग नहीं हो रही है और सेलिंग के साइंस भी दिख रहे हैं। वही अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो सभी ग्लोबल इंडाइसेस ने अच्छा परफॉर्म किया और 5-8% का रिटर्न दिया। जापान का निक्केई और हमारा निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाकी इंडाइसेस के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सबड्यूड रहा। अगर हम FNO स्टॉक्स की बात करें तो 109 स्टॉक्स ने वीक ऑन वीक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई और वही 33 स्टॉक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई। तो FNO स्टॉक्स का जो ये परफॉर्मेंस है ये हफ्ता पिछले हफ्ते के जितना अच्छा नहीं रहा। अगर हम निफ्टी टर्नओवर की बात करें तो हमें काफी अच्छा टर्नओवर देखने को मिला एवरेज से ज्यादा पिछले हफ्ते। DIIs ओवरऑल नेट सेलर रहे, हालांकि सेलिंग काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल पिछले हफ्ते वो नेट सेलर रहे। वहीं अगर FIIs की बात करें तो उन्होंने जम के खरीदारी की और पिछले हफ्ते करीब उन्होंने 20,000 करोड़ की नेट बाइंग की। यहां पर एक चीज गौर करिए कि जो 5 जून का डेटा है वहां पे FIIs ने एक तरीके से काफी कम बाइंग की और ऐसा लगा कि उन्होंने उस दिन से कुछ सेक्टर रोटेशन स्टार्ट किया है। अगर हम वीकली गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो एक बार फिर हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक्स बीटन डाउन थे या जिन पे ट्रेडर्स का विश्वास नहीं था उसमें जम के खरीदारी की गई। आइडिया में 60% तक का गेन पिछले हफ्ते हमें देखने को मिला। इसके अलावा PNB, कैन बैंक, PVR, टाटा मोटर्स, NCC, इन तरह के ये स्टॉक्स में हमें 20 से 50% तक का गेन हमें देखने को मिला। वहीं काफी सारे जो स्ट्रॉन्ग और क्वालिटी स्टॉक्स थे उनमें हमें सेलिंग के साइंस दिखे और वहां पे 1-5% तक का लॉस हमें वीक ऑन वीक देखने को मिला। हालांकि ये लॉस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें इस बात पे गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अच्छे स्टॉक्स में उस तरीके की बाइंग क्यों नहीं दिख रही है। अगर हम न्यूज फ्लो की बात करें तो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल बना हुआ है और ऐसी कुछ खबरें आई हैं कि चाइनीज ट्रूप्स इंडियन बॉर्डर के अंदर तक घुस गए हैं। हालांकि अभी हमें ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। होपफुली इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने करीब 63,000 न्यू केसेस एड किए, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा है और अब हमने इटली को भी नंबर ऑफ केसेस में पछाड़ दिया है। तो महामारी में इम्प्रूवमेंट का कोई साइन फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है। एक और बड़ी खबर जो आई जिसे मीडिया ने उस तरीके से नहीं पब्लिश किया वो ये कि मूडीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की रेटिंग घटा दी है और साथ में आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है। इसके लिए जो कारण हमें बताया गया वो मेनली 4 रीजंस बताए गए। पहला, वीक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरा, लो ग्रोथ। तीसरा, फिस्कल प्रेशर्स या जिसे हम वित्तीय घाटा कहते हैं। और चौथा, राइजिंग स्ट्रेस इन फाइनेंशियल सेक्टर। दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि मूडीज ये कह रहा है कि इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में काफी स्ट्रेस है और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मूडीज ने इंडिया की रेटिंग घटा दी है। तो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात को जरूर
ध्यान में रखें। एक और बात आपसे शेयर कर लेते कि मूडीज ने क्लियरली इस बात को कहा है कि ये रेटिंग डाउनग्रेड कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है। काफी टाइम से, पिछले 2-3 सालों से इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में स्ट्रेस चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, और उसको ध्यान में रखते हुए ही रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया गया है। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि आउटलुक इज नेगेटिव, इसका मतलब यह है कि आगे भी चांसेस है कि फर्दर डाउनग्रेड रेटिंग को किया जा सकता है। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि रेटिंग डाउनग्रेड हो गया तो इसका क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको क्विकली बता देता हूं, अगर आपके कंट्री की रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है तो इसका एक इम्पैक्ट ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाहर से कोई कर्जा लेना हो या बॉन्ड्स इश्यू करना हो तो वो इतने आसानी से नहीं कर पाएगी और उसको हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। वहीं अगर हम कंपनीज की बात करें तो जो कंपनी बाहर के मार्केट्स में बॉन्ड इशू करके कैपिटल रेज करते हैं उनको भी दिक्कत आएंगी और उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि उनके कंट्री की रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बिजनेस एनवायरमेंट पर पड़ेगा। आइए अब थोड़ा एफएनओ डेटा की बात कर लेते हैं। एफएनओ में अगर हम ऑप्शंस मार्केट की बात करें तो उसमें हमें बुलिशनेस दिख रही है, जून के डेटा में खास करके बुलिशनेस दिख रही है, लेकिन वहीं अगर आप जुलाई या नेट डेटा की बात करेंगे तो देयर इज अ फॉल इन बुलिशनेस। तो चूंकि अभी बाजार बढ़ रहा है तो शॉर्ट टर्म में ऑप्शंस मार्केट में काफी बुलिशनेस दिख रही है, लेकिन ट्रेडर्स का जुलाई के महीने का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा शेकी दिख रहा है। वहीं अगर फ्यूचर्स ट्रेडर की बात करें तो इसमें काफी ओपन इंटरेस्ट में फॉल आया है। ऑब्वियसली बाजार चढ़ रहा था जो कि अनएक्सपेक्टेड था और जो शॉर्ट सेलर्स थे उन्होंने अपनी पोजिशन को क्लोज किया, ये क्लियरली हमें डेटा में दिख रहा है। तो ओवरऑल ऑप्शंस मार्केट में अभी भी हमें बुलिशनेस दिख रही है। इससे पहले ही हम बाजार के आउटलुक की बात करें, आइए पहले हम देखते हैं कि हमने जो आपको पोर्टफोलियो बना के दिया था उसका क्या स्टेटस है। दोस्तों हमने 12 अप्रैल के वीडियो में आपसे कुछ स्टॉक्स शेयर किए थे और हमने आपसे कहा था कि जितना हो सके आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो आइए देखते हैं कि उन स्टॉक्स का पिछले 2 महीनों में क्या परफॉर्मेंस रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी स्टॉक्स ने लगभग पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 20-25% के आसपास, और कैडिला और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और अंडर परफॉर्म किया है, हालांकि उन्होंने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें दिखाया है। अब यहां पर हम आपसे एक सजेशन देंगे कि इसमें से यूनाइटेड स्पिरिट्स को आपने अगर पोजीशन बना रखी है तो आप चाहे तो उसे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस स्टॉक पे अपना जो व्यू है थोड़ा चेंज किया है। क्योंकि ये कंपनी मोस्टली वाइन और स्पिरिट्स के फील्ड में प्रोडक्शन करती है और लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट्स उस पर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है और साथ में इसके डीलिस्टिंग की भी खबरें आ रही हैं, तो एक तरीके से इस स्टॉक में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो हमारा ये सजेशन है कि आप इस स्टॉक से एग्जिट करके जो कैपिटल आता है उसे मनप्पुरम, मुथूट या TCS, इन तीनों स्टॉक्स में से किसी एक में या किसी दो में या इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि बाजार यहां से कहां जाने वाला है। दोस्तों पिछले 2 हफ्ते में निफ्टी करीब 1000 पॉइंट ऊपर चला गया है। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बाजार में तेजी दिख रही है, FIIs ने बाइंग की है और 20,000 करोड़ की बाइंग की है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं इस तरीके की रैली की उम्मीद नहीं किया था। दोस्तों 10,100, 10,200 तक की लेवल की बात मुझे समझ में आती है, लेकिन बाजार अगर इसके ऊपर जाता है तो इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन देखिए ये एक बेयर मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। बेयर मार्केट की रैलीज अक्सर ऐसे टाइम पर आती हैं जिस वक्त उसकी कोई कल्पना नहीं करता है और वो अक्सर आके इस तरीके से हमें सरप्राइज कर देती है। दोस्तों 10,100 और 200 तक का लेवल की बात हमने अपने 12 अप्रैल के वीडियो में की थी, तो उस वक्त निफ्टी करीब 9,000 लेवल के आसपास था
और हमने आपसे कहा था कि यहां से एक रैली हो सकती है और वो रैली उसे 9930 तक ले जा सकती है, और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 10,100 या 10,200 के लेवल तक जाए। तो यहां तक की बात हमें समझ में आती है, लेकिन अगर बाजार यहां से और भी ऊपर चले जाए तो आई विल बी सरप्राइज्ड, वेरी वेरी सरप्राइज्ड। अब आइए हम थोड़ा बात करते हैं कि बाजार क्यों चढ़ रहा है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरीके से FIIs इंडेक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक दो कारण और सरफेस होकर आए हैं जिसकी वजह से ग्लोबली मार्केट्स ऊपर चढ़ रहे हैं। इसका पहला कारण जो हमें समझ में आता है वो है वीकनिंग ऑफ डॉलर। जैसा कि आपको पता होगा अगर आप न्यूज फ्लो फॉलो कर रहे हैं कि US डॉलर्स उसमें एक वीकनेस दिखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी फ्लो पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब आप शायद पूछ रहे होंगे कि डॉलर वीक हुआ तो भाई लिक्विडिटी कैसे बढ़ गई। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और मान लीजिए कि करेंटली $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, अब अचानक क्या होता है कि इंडिया की करेंसी वीक हो जाती है तो क्या होगा, $1 60 रुपीज के बजाय $1 70 रुपीज हो जाएगा। तो हमारे हाथ में अगर हम US डॉलर्स में डील कर रहे हैं तो हमारे हाथ में 60 रुपीज के बजाय 70 रुपीज आ जाएंगे, तो हमारे पास एक 10 रुपीज का एक्स्ट्रा इनफ्लो हो गया। तो इस तरीके से लिक्विडिटी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो US डॉलर के वीक होने की वजह से काफी कंट्रीज स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। अगर आप डॉलर इंडिकेटर को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें करीब 6% का फॉल हुआ है। दूसरा जो एक कारण समझ में आता है, हालांकि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, ए मार्केट ग्रेपवाइन के बेसिस पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि जैसा कि आपको पता है कि FTSE और MSCI दो लीडिंग इंडेक्स हैं, और इस इंडेक्स और ये इंडेक्स वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा खबरें सुनने को मिली कि MSCI और FTSE में इंडिया का वेटेज बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से उन इंडेक्स को इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं निफ्टी ETF होता है, वो निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर निफ्टी में कोई नया स्टॉक आ जाता है तो उन ETFs को उन स्टॉक्स में खरीदारी करनी पड़ती है। उसी तरीके से जो MSCI और FTSE के जो फंड्स हैं उनको भी इन इंडिया के कुछ स्टॉक्स में खरीदारी करनी पड़ सकती है अगर इंडिया का वेटेज बढ़ता है। तो एक अनुमान के अनुसार अगर ऐसा होता है तो इंडिया में 20,000 to 50,000 crores की फ्रेश लिक्विडिटी आएगी, और हो सकता है कि इस वजह से वो पैसा ऑलरेडी या मार्केट में आना शुरू हो गया है या उसके एंटिसिपेशन में आना शुरू हो गया है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले हफ्ते FIIs ने 20,000 crores की बाइंग इंडियन मार्केट्स में की है। अब एक और प्रश्न उठता है, आप में से शायद कुछ लोग ये सोचते होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट हो गया है और ये निफ्टी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आइए इस पे थोड़ा हम और बात करते हैं। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स की एक रिसर्च के मुताबिक बेयर मार्केट्स 3 तरीके के होते हैं। पहला वो जिसे कहते हैं साइक्लिकल बेयर मार्केट, दूसरा वो जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट, और तीसरा वो जिसे हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन बेयर मार्केट। जो स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए आपके कंट्री में अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल शुरू हो गया है और अगले 2-3 सालों तक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री को एक एडवर्स इफेक्ट होता है, तो एक बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके के जो बेयर मार्केट होते हैं उसमें एवरेज फॉल करीब 31% तक का होता है, और उस बेयर मार्केट का ड्यूरेशन करीब करीब 21 मंथ्स का होता है। वहीं अगर हम स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट्स की बात करें, कि जैसा कि हमें 2008 में दिखा था, जिसमें आपके इकोनॉमी में एक मेजर स्ट्रक्चरल बदलाव हो जाता है,
तो वैसे केस में एक बड़ा बेयर मार्केट आता है और वो बेयर मार्केट 47% तक का फॉल ऑन एन एवरेज हमें दिखाता है, और इस बेयर मार्केट की ड्यूरेशन जो होती है वो 42 मंथ्स की होती है ऑन एन एवरेज। वहीं अगर इवेंट ड्रिवन बेयर मार्केट की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ अचानक से इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से एक मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई, जैसा कि 9/11 का इवेंट हुआ था। जो इस तरीके के इवेंट्स बेस्ड बेयर मार्केट्स होते हैं उनमें करीब 29% ऑन एन एवरेज फॉल होता है और उनका ड्यूरेशन करीब 9 मंथ्स तक का होता है। तो ये जो कोरोना महामारी की वजह से जो अभी हम बेयर मार्केट देख रहे हैं, इसको हम किस कैटेगरी में डालें ये डिबेटेबल है। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि कंपनी के बिजनेस करने का तरीका और बिजनेस एनवायरनमेंट काफी हद तक इसकी वजह से बदल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक इवेंट बेस्ड बेयर मार्केट है जो कि कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसे इवेंट बेस्ड बेयर मार्केट भी मान के चलें तो इसे 8 से 9 महीने तक रहना चाहिए। ये बेयर मार्केट अगर फरवरी से हम मान के चले कि स्टार्ट हुआ था तो अभी 5-6 महीने ही हुए हैं। हाँ, बेस्ट केस सिनेरियो हम ये होप कर सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जाके ये बेयर मार्केट खत्म हो। तो हमें नहीं लगता कि जो इस बेयर मार्केट का टाइम करेक्शन अभी खत्म हुआ है बेस्ड ऑन द रिसर्च डन बाय गोल्डमैन सैक्स। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो क्या फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो इस बुल रन को सपोर्ट करते हैं? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो कोरोना के केसेस हैं ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें तो कमी का कोई साइन नहीं दिख रहा है। अगर हम बैंकों की बात करें तो आज के डेट में बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप बैंक को अप्रोच करिए, आप देखिए वो आपसे पेपर भी ले लेंगे, आपके फॉर्म की प्रोसेसिंग भी कर देंगे, लेकिन एन मौके पर आपके लोन्स को डिक्लाइन कर देंगे, और बिजनेसेस को तो वो बिल्कुल ही लोन नहीं दे रहे हैं। तीसरा, जो जॉब की क्राइसिस है उसके डेटा पॉइंट्स अभी आने लगे हैं। आप अगर अपने जान पहचान के लोगों से भी बात करेंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने जॉब्स के लिए वरीड हैं और सेफ नहीं फील कर रहे हैं। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खराब होने का सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो रेटिंग डाउनग्रेड है, जिसमें क्लियरली ये कहा गया है कि इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स हैं। तो जब इतनी सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक फ्रेश बुल रन है? इस पे जरा गौर करिएगा। अब जो ये रैली हो रही है ये इसको हम कैसे देखें? देखिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं, कहीं ये रैली ऐसी तो नहीं है जैसी रैली हमें टाटा मोटर्स में 2016 में देखने को मिली थी, जिसमें एक फॉल हुआ था, थोड़ा बॉटम बना था और वहां से एक और रैली शुरू हो गई, और उसके बाद 500 रुपये के लेवल से जो टाटा मोटर्स का भाव गिरना शुरू हुआ तो वो 60 रुपीज पर आके ठहरा और ये फॉल कई सालों तक चलता रहा। तो ये पैटर्न कहीं ऐसा तो नहीं है? आप अपने व्यूज हमसे चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि 7700 का जो हमने टारगेट दिया था बाय जून एंड, उसका क्या? दोस्तों देखिए ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है। अगर इस हफ्ते में FIIs का इनफ्लो जारी रहेगा, उनकी बाइंग जारी रहेगी, निफ्टी ऊपर चढ़ता जाएगा, तो हमें मजबूरन उस टारगेट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मैं अभी भी होपफुल हूं, लेकिन अगर बाजार का यही फैसला है, बाजार का फैसला सर आंखों पर, और बाजार जो भी फैसला करेगा उसे हमें मानना पड़ेगा। दोस्तों एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बाजार में वॉलेटिलिटी बने रहेगी आने वाले टाइम में, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग नेकेड पोजीशंस बनाते हैं ऑप्शंस मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, आप लोग थोड़ा सोचिए और उतना रिस्क मत लीजिए। कोशिश करिए जहां तक हो सके कि आप हेजिंग करके काम करें और ऑप्शंस की हेजिंग स्ट्रेटजी में काम करें। इससे आपको एक एडवांटेज ये होगा कि आप अपनी पोजीशंस को कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएंगे। वहीं अगर आप नेकेड पोजीशंस बनाते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं या शॉर्ट करते हैं या कॉल खरीदते हैं या पुट करते हैं या ऑप्शंस को सेल करते हैं, तो अगर एक एडवर्स मूवमेंट आती है तो आप काफी रिस्क जोन में आ जाएंगे। तो एक मैच्योर ट्रेडर बनिए और हेजिंग करके काम करने की कोशिश करिए। और अगर आपको नेकेड पोजीशंस ही बनानी है तो आप इंट्राडे पर ही काम करिए, क्योंकि उस पर आप
एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपको नेकेड पोजिशनल ही काम करना है तो प्लीज 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 स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।